चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात खारिज होने का मामला है। पंजाब हुकूमत की परवेज इलाही को 3 मुकदमा से डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाप्त हुई है। हाई कोर्ट की नोटिस की तामील न होने पर परवेज इलाही को दोबारा नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी है। आपको बताएं इस खबर के हवाले से कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात खारिज होने का ये मामला है। पंजाब हुकूमत की परवेज इलाही को 3 मुकदमा से डिस्चार्ज करने का फैसला दरख्वास्त पर समाप्त हुई है। कोर्ट की नोटिस की तामील ना होने पर परवेज इलाही को दोबारा नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी गई है। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक कहिएगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवारुल्लाह तनू ने पंजाब हुकूमत की अपील पर समाप्त की, जिसमें परवेज इलाही को 3 मुकदमात में डिस्चार्ज करने के इल्जाम को चैलेंज किया गया था और ये मौकफ इख्तियार किया गया था कि परवेज इलाही ने अरबों रुपए की करप्शन की है और इस हवाले से तमाम सबूत प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद है और इसके बावजूद मुतलका जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने परवेज इलाही को इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया है और इस हवाले से कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, लिहाजा जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।